पनीर की सब्जी तो आपने कई बार बनाई होगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिना लहसुन और प्याज की बहुत ही टेस्टी पनीर मसाले की रेसिपी, जिसे आप कोई भी पर्व त्योहार में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी सी पनीर मसाले की रेसिपी, वो भी बिना लहसुन और प्याज के। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, ये मेरा क्यूब्स में कटे हुए पनीर हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लेना है। आप यहाँ पर अगर चाहें तो पनीर को फ्राई करें, ना चाहें तो ना नहीं भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा फ्राई कर लेने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो मैं इसे थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो मैंने सभी को डाल लिया है, डालकर हल्का सा गोल्डन होने तक हाई फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई कर देंगे उलटते पुलटते हुए। तो हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है पनीर को। अब मैं इसे पनीर को बाहर निकाल लेती हूँ पैन से। तो पैन से बाहर निकाल कर मैं इसे पानी में डाल दूंगी। पानी में डालने से जो पनीर है वो हार्ड नहीं होता है, आपका रबड़ जैसा च्युइंगम नहीं बनेगा, ये सॉफ्ट ही रहेगा। तो इसे मैं निकाल कर पानी में सारे पनीर के पीसेस को डाल लेती हूँ और इसी तेल में हम आगे की तैयारी करते हैं। तो इसी तेल में मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कट कर लिया है, और ये मैं 2 हरी मिर्च लिया है। आप हरी मिर्च के बदले लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के 3 टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, उसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे टमाटर को हल्का सा 1 मिनट सॉटे कर लिया है, थोड़ा सा मैंने भून लिया है, हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ काजू। काजू से इसका टेस्ट और अच्छा आएगा, थोड़ा क्रीमी और रिच रिच आएगा इसका स्वाद, और ये ग्रेवी को गाढ़ी करने में भी मददगार साबित होगी। तो इसे हम हल्का सा मैंने चला लिया है और इसे हम ढक देंगे। ढककर लो फ्लेम पर हम 5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि हमारे काजू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो काजू है और टमाटर है वो अच्छे से भून कर तैयार हो गया है, टमाटर भी अच्छे से पूरी गल गई है। तो इसे मैं अब निकाल दे रही हूँ पैन से बाहर, और जो तेल बचेगी उसे मैं रख लूँगी, साइड रख लूँगी, इसी में पैन में ही छोड़ दूँगी। और इसे मैंने ठंडा कर लिया है, निकाल कर ठंडा करके इसे मैं मिक्सी का जार में डाल दे रही हूँ। डालकर इसका एक फाइन सा प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगी, पानी डालिए चाहे दही डालिए। तो पानी डालकर मैंने थोड़ा सा इसे इसका प्यूरी तैयार कर लिया है पेस्ट। अब उसी पैन में मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला है, और उसी ऑयल में मैं डाल दे रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 2 मैंने सूखी हुई लाल मिर्च ली है, 6 से 7 मैंने गोलकी ली है, 2 मैंने हरी इलायची ली है, और मैंने 4 यहाँ पर लौंग लिया है। इन सभी को मैंने डाल लिया है, साथ में 2 तेज पत्ते लेंगे, और इन्हें हम 30 सेकेंड तक पका लेंगे इसी तरह से ऑयल में, ताकि ये जीरा वगैरह अच्छे से चटक जाए। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी हमने जो तैयार किया है पेस्ट टमाटर और काजू का, उसे हम डाल लेंगे। डालकर इसे भूनना है, इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इससे अच्छे से मसाला भून ना जाए और ऑयल ना रिलीज होने लगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे भून लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें इसके साइड से ऑयल भी रिलीज हो रहा है। यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भून कर रेडी हो गए हैं। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 2 छोटे चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 छोटा चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। सिर्फ कलर के लिए मैं ले रही हूँ, अगर आप और तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे बच्चों को देना है इसलिए मैंने
थोड़ा सा कम ही मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने दो हरी मिर्च पहले भी इस्तेमाल की थी, वो भी बहुत तीखी थी। और ये थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा लेना है। और ये देख सकते हैं कि अच्छे से भुन गया है मसाले भी, और अच्छे से साइड साइड से ऑयल भी ये रिलीज़ कर रहा था। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, मैंने पानी लिया है, तो जिस जार में मैंने मसाले ग्राइंड किए थे उसी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, और इसमें मसालों में डाल देंगे और इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक ये मसाले अच्छे से पक ना जाए और ऊपर ऊपर ऑयल रिलीज ना होने लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से मसाले भी पक गए हैं और अच्छे से इसने ऑयल भी रिलीज किया है। तो इसे हम एक बार मिक्स दे देते हैं और ये अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए और थोड़ा पनीर रिच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम के करीब मैंने पनीर को क्रश कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से एक मिक्स दे दिया है, इसे हमें ज़्यादा भुनना नहीं है चाहे पकाना नहीं है, नहीं तो ये जो इसमें हम मसाले बनाएंगे तो पनीर है जो रबर जैसा हो जाएगा। तो हाफ टी स्पून मैं डाल दे रही हूँ मिक्स के बाद गोलकी पाउडर, और हाफ टी स्पून मैं डाल दे रही हूँ जीरा पाउडर, इसे भी हम बस एक मिक्स दे देंगे। यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद इसमें हम पनीर के पीसेस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी मैंने पनीर के पीसेस को पानी में रखा था उसे मैं डाल लेती हूँ, सारे पीसेस को हम डाल लेंगे अपनी ग्रेवी में मसालों में। तो यहाँ पर मैंने सभी पनीर के पीसेस को मसालों में डाल लिया है, डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, पनीर पर कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पनीर के पीसेस को कोट कर लिया है। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ अब थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने मसाले तो अच्छे से भूनकर रेडी कर रखा था तो इसे और फ्राई करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मैं पनीर पानी ऐड कर ले रही हूँ, और पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, आपको ग्रेवी ज़्यादा पतली चाहिए या थिक चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर के अनुसार डाल लिया है और डालकर इसे हम ढक देंगे। ढक कर हम इसे 5 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए हमारा 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं मसालों भी अच्छे से पक गया है, पनीर भी, और साइड साइड से ऑयल भी ये रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैं डाल दे रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, उसे मैंने हाथों के बीच में रख के क्रश करके हम इसे डाल देंगे, इससे फ्लेवर और अच्छे से इन्हेंस होकर आएगी कसूरी मेथी की। तो इसे बस हम मिक्स दे देते हैं और इसे हम ढक कर 1 मिनट तक, बस 1 मिनट तक गर्म मसाले को पका लेंगे। और ये हमारा 1 मिनट हो गया है, हमारा जो पनीर है एकदम रेडी है। तो इसे हम गार्निश कर लेते हैं धनिया पत्ते से। ये हमारा बिल्कुल टेस्टी टेस्टी सा पनीर की सब्जी तैयार है, वो भी बिना लहसुन और प्याज के। अगर आपको हमारी आज की यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।